जरूरी नहीं कि केवल एक्टर ही स्ट्रगल करते हैं, जितने प्रोडक्शन वाले हैं वो भी स्ट्रगल करते हैं अपने टाइम के हिसाब से। जब मुझे पहली बार काम मिला था तो मैं बालाजी का शो कर रहा था, बालाजी टेलीफिल्म्स, मेरी स्टार्टिंग वहीं से हुई। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। हाय, मेरा नाम सुभाष शर्मा है, मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली में पढ़ा लिखा, और मैंने जो ग्रेजुएशन किया वो धनबाद से किया। जब मैं मुंबई आया था स्ट्रगल तो मेरे लिए काफ़ी था, क्योंकि लोग मुझे जानते नहीं थे। मैं अपनी जो पहचान बनाई अपने स्ट्रगल से, ज़रूरी नहीं कि केवल एक्टर ही स्ट्रगल करते हैं, जितने प्रोडक्शन वाले हैं वो भी स्ट्रगल करते हैं अपने टाइम के हिसाब से, तो सबका अपना अपना स्ट्रगल होता है। दूसरा चीज़ ये है कि मुझे काम कैसे मिला, काम पाना भी बहुत बड़ा स्ट्रगल है। जब मुझे पहली बार काम मिला था तो मैं बालाजी का शो कर रहा था, बालाजी टेलीफिल्म्स, मेरी स्टार्टिंग वहीं से हुई। मैंने वहीं से सीखा, वहीं से काम स्टार्टिंग किया, अपनी जर्नी भी स्टार्टिंग की, प्लस वहीं से पैसे कमाना भी शुरू किया मैंने। जब उनको ज़रूरत थी, मैंने उनके काम को फुलफिल किया, तो उन्हें लगा कि नहीं वो काम कर सकता है, तो उन्होंने मुझे रखा। कभी कुछ पैसों से छोटे कम कीमत से स्टार्ट किया, आज अच्छे खासे पैसे मिल लेता हूँ, तो मुँह मांगा पैसा भी मिलता है मुझे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हर एक फिल्म में हर एक का काम अलग अलग होता है, एक्टर का काम अलग होता है, प्रोडक्शन का काम अलग होता है, मेरा काम अलग है। मेरा काम है कि एक्टर को अरेंज करना, टेलीकास्ट निकालना, सब उस पर डिपेंड करता है। टेलीकास्ट जाता है तो सब चलता है। हाँ, क्योंकि बिना एक्टर के, बिना टेलीकास्ट, क्योंकि कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक्टर्स टाइम पर नहीं आ पाते, या फिर कई बार हम कास्टिंग ही ऐसी हो जाती है कि एक्टर थोड़े हाई प्रोफाइल होते हैं, तो उनका टाइम पर ना आना एक सबसे बड़ा रीज़न भी माना जाता है, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, उसको मैनेज करने के लिए कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है कि जब आर्टिस्ट सपोज थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो हमें और भी जो को-स्टार है उनके साथ के जो है उनके क्लोजर से स्टार्ट कर लेते हैं। सपोज हमने मास्टर बाद में लगाया, क्लोज कटिंग करने के बाद, तब तक वो आर्टिस्ट आके रेडी हो जाते हैं, उसके बाद हम मास्टर लगाते हैं। मास्टर करने के बाद जो आर्टिस्ट का क्लोज हो चुका है पहले, उनके काम खत्म हो जाती है, लेकिन जो लेट आए उनके क्लोजर बच जाते हैं, तो उनका काम हम फिर बाद में ख़त्म करते हैं। तो उनका काम ख़त्म होने के बाद सीन पूरा फुल ओवर होता है, कि आर्टिस्ट के लिए 12 घंटे होता है, नहीं कभी कभी आर्टिस्ट भी हमारे लिए 14 घंटे 15 घंटे भी काम कर लेते हैं, लेकिन वो कभी कभी, हमेशा नहीं, उनका हमेशा जो टाइमिंग होता है 12 घंटे का, वो पहले हिसाब किताब था कि 8 घंटे का चलता था, लेकिन अभी वो नहीं है। मैंने जब से चालू किया है तब से वो 12 घंटे का ही है। और रही हम लोग की बात, तो हम लोग को 1-1.5 घंटे पहले आना पड़ता है, और पैकअप के बाद 1-1.5 घंटे बाद जाना पड़ता है, मतलब 2-2, 4 घंटे 4-5 घंटे एक्स्ट्रा हो जाता है। लेकिन अब काम करना है तो करना है, ये 2-4 घंटे एक्स्ट्रा ही क्यों ना हो। देखिए, एक ईपी का काम ये होता है कि आज जो हमने शूट कर लिया, शूट करने के बाद, ख़त्म होने के बाद कल हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, वो डायरेक्टर से डिस्कस करना, क्रिएटिव डायरेक्टर से डिस्कस करना, क्रिएटिव टीम से डिस्कस करना और अपने प्रोडक्शन वाले से डिस्कस करना कि हम कल क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे टेलीकास्ट में पहले क्या जाने वाला है, क्या होने वाला है, वो सब पूरा तामझाम करना पड़ता है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो सेट का जितना होता है हम लोग के हाथ में होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर हमें दिया गया है कि आप ये हमें बना के दो, वो हम पे फेथ करते हैं और हम उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहते, इसलिए उनका भरोसा ना ही तोड़ सकते हम लोग। एक्टर होते हैं वो बच्चे समान होते हैं, उनको हम फ्री छोड़ देंगे तो अच्छे से भी काम करते हैं, कभी कभी अनुशासन लगाना पड़ता है, अनुशासन जैसे देना पड़ता है, और जो और भी होते हैं तो कभी कभी अच्छे से भी काम करते हैं। जितने सीनियर एक्टर होते हैं वो तो अपने टाइम पे पंक्चुअल होते हैं, टाइम पे अपना काम करते हैं, जो नए कास्ट होते हैं उनमें थोड़े से अनुशासन ना होती है, लेकिन धीरे धीरे लोग भी समझ जाते हैं कि कैसा काम करना है, क्या काम करना है, और जब तक एक बॉन्डिंग नहीं बनती है तब तक काम नहीं होता है। ये बॉन्डिंग बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रोज़मर्रा में डेली हमें उनसे काम लेना है, और जब मैं बोलूँ तब वो आते हैं, उनके हिसाब से भी हमें चलना पड़ता है और हमारे हिसाब से भी वो चलते हैं। Okay. तो दोनों गिव एंड टेक होता है। बिजेंद्र जो है बहुत अच्छा एक्टर है, सबसे पहली बात है कि वो एक अच्छा इंसान है फर्स्ट, जो हमारा लीड है। मैं सही बताऊँ, मैंने इतनी लीड के साथ काम किया है, लेकिन टाइम का पंक्चुअल होना, टाइम पे आना, टाइम पे रेडी रहना, अपने काम पे ध्यान देना, और साथ में अपने को-स्टार को भी लेके चलना, बहुत अच्छी बात होती है। और ऐसे सब लोगों में नहीं मिलते हैं, कुछ लोग होते हैं जैसा एक्टर है बिजेंद्र, मुझे अभी तक तो शायद उतना इससे अच्छा ना मिले, जो मेरी पॉजिटिव है उनकी पॉजिटिव शायद मिलती जुलती है, मैच करती है। क्या है ना कि जब मैं उनके लिए करता हूँ तो वो हमारे लिए भी करती हैं, ऐसी बात नहीं है।
डरती हैं, कभी कभी वो भी मुझे बोल देती है तो मैं भी सुन लेता हूँ। चलता है ऐसा, मतलब नोकझोंक तो चलता ही रहता है सेट पे, ऐसा कुछ, लेकिन हमें तुमसे काम कराना है। और जब मैं बोलता हूँ तब टाइम पे पंक्चुअल में आती हैं वो। अच्छा, तो अच्छी बात है। देखिए मैं इसमें अभी कोई कमेंट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आगे चल के क्या होने वाला मुझे नहीं पता। अच्छा, इसलिए इसमें ना कमेंट्स। अच्छा, देखिए सबके अपने अपने डिपार्टमेंट होते हैं, कॉस्ट्यूम का अलग डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन का अलग डिपार्टमेंट होता है, स्पॉट का अलग डिपार्टमेंट होता है। रही बात कॉस्ट्यूम की, तो हमारे क्रिएटिव टीम और हमारे स्टाइलिस्ट जो है वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्या कॉस्ट्यूम देना है। हर एक सीन का अलग अलग मुद्दा होता है कि इसमें क्या कपड़े पहने जाते हैं, क्या कपड़ा पहनना है, सीन के हिसाब से होता है। बाय द वे नहाने का सीन हो तो कपड़े कॉस्ट्यूम अलग हो जाते हैं, बाय द वे रोमांस का सीन हो तो कपड़े अलग हो जाते हैं, बाय द वे घर का नॉर्मल सोने का सीक्वेंस हो तो उसमें कपड़े अलग हो जाते हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक सीन का मुद्दा में कपड़े का चेंजिंग होना बनता है। तो वो हमारे स्टाइलिस्ट और हमारे क्रिएटिव टीम डिसाइड करते हैं। हमारे जो प्रोडक्शन टीम का जो मेन होता है, जो हमें लीड करते हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट हेड है, वो है पंकज कौशिक जी। पंकज कौशिक जी के बारे में क्या बताऊं, एक भाई के समान मानते हैं वो हमें। काम के समय काम, और जब काम ना हो तो प्यार, एक भाई का प्यार जो मिलता है। भाई वो गलती करते तो डांटते भी हैं, सारे प्रोडक्शन वाले को डांटते हैं, मुझे भी डांटते हैं, सबको। लेकिन वो हमें, हमारे साथ काम इसलिए करते कि हम उनका काम करके दें। काम के समय काम, बस ये होता है। रही टीम की बात, तो हमारे सारे टीम अच्छे हैं। अतुल है, परीक्षित जी हैं, राजेश जी हैं, अमन है, मैं हूँ, और हमारे अंदर भी बहुत सारे हैं। स्पॉट इंचार्ज होते हैं, स्पॉट वाले होते हैं, ड्रेस वाले होते हैं, उसके बाद लाइटमैन, कैमरामैन, यही है। एक टीम बनने के लिए सबसे मेन होता है, जो मेन होते हैं प्रोड्यूसर, जो एक प्रोजेक्ट को लेके आते हैं, उसको उस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करते हैं। वो काम अच्छा होता है तो टीआरपी बढ़ती है, टीआरपी बढ़ती है तो हम लोग भी बढ़ते हैं। हैटिक ये होता है कि आउटडोर की बात अलग होती है, उसमें वेंटी लगाना, ये सब करना, अरेंज करना, और जहाँ शूट होता है उससे कुछ डिस्टेंस में वेंटी लगती है जहाँ पे आर्टिस्ट लोग रेडी होते हैं, फिर वहाँ से सेट पे लेके आना, फिर गर्मी में भी शूट करना, धूप ऊप रहता है, तो ज़रूरी नहीं कि सबके पास एसी हो, ऐसी बात नहीं। जब हम स्टेज शूट करते हैं तो वहाँ पे एसी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो हो नहीं पाता इसलिए कि भी धूप है। चलो वेंटी में कितना टाइम तक बैठ सकते हैं, वेंटी में तब तक बैठ सकते हैं जब तक आप रेडी होते हो, उसके बाद तो प्रॉपर धूप में शूट करना पड़ता है। तो हमारे जितने आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छे हैं, जो मचमच नहीं करते हैं, काम प्रॉपर अच्छे तरह से करते हैं। उनको भी समझ में आता है कि भाई धूप है तो हमें शूट करना ही। धूप मैं क्या करना चाहिए, मैं ये बस बोलूँगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अच्छा से चलता रहे, आप लोग अच्छे से देखें, प्रोत्साहित करें, हमारा टीआरपी बढ़ता रहे। आप लोग जितना देखेंगे हमारा टीआरपी उतना ही बढ़ेगा। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली के लिए। थैंक यू, हैप्पी दिवाली।